हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी है मेरी सिमई से बनी है, हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ये बाउल सिमई ली है। ये थोड़ी सी गाजर, आज छोटा सा पीस गाजर का काट कर लिया है, एक छोटा सा साइज का प्याज काट कर लिया है और एक छोटे साइज का टमाटर लिया है, और ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए कुछ सामान लिया है। ये मैंने आधा टमाटर पल्प निकाल के इसको लंबे लंबे टुकड़ों में चॉप कर लिया था, और ये छोटा सा पीस गाजर का, इसको भी मैंने पीलर की हेल्प से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया था। ये मैंने थोड़े से कॉर्न लिए हैं और ये मैंने थोड़ा सा पनीर लिए। आइए चलिए, सबसे पहले मैं मिक्सी के जार में डालकर इस सिमई का एक पाउडर तैयार करूंगी, फिर आगे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आए हैं हम, ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको मिक्स के जार में डालकर इसको पीस लिया है। अब मैं आगे की रेसिपी बनाऊँ। आगे की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसको मिक्सी के बाउल में ट्रांसफर करूंगी। इस सिमई को मैंने पहले से भून कर रख लिया था। यह सिमई आपको मार्केट में किराना शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद मैं इसके अंदर ये बटर मिल्क पाउडर डालूंगी। और ये कटा हुआ टमाटर जो मैंने काट कर रखा था, इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और ये मैंने गाजर जो चॉप करके रखी थी, इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और ये प्याज जो मैंने चॉप करके रखा था, उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। सारी चीजों को अच्छे से चलाने के बाद मैं इस बटर को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखूंगी, ताकि ये मेरा बैटर अच्छे से फूल जाए और मैं इसकी रेसिपी बनाऊंगी। फिर उसके बाद मैं इसकी का नाश्ता बनाऊंगी। मेरा बैटर फूल गया है, अच्छे से फूल गया है। मैंने इसको 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ा था। मेरा बैटर अच्छे से फूल के रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर डालूंगी, आधा चम्मच चाट मसाला डालूंगी, और ये आधा चम्मच मैंने पाव भाजी मसाला लिया, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और ये आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया। इन सभी चीजों को मैं इसके अंदर डालकर एक बार अच्छे से मिला दूंगी। और अब मैं इसके अंदर आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालूंगी, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। ये भी मैं इसके अंदर डालकर फटाफट इसको चलाऊंगी हल्के हाथों से। और ये मैंने पैन गैस पर चढ़ा दिया है। इस पैन में मैं थोड़ा सा बटर डालूंगी, आप इसको देसी घी में भी बनाकर बना सकते हैं। अब मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया था, इस पैन के अंदर मैंने बटर डाल दिया। जब मेरा बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तब मैं इसके अंदर ये बैटर डाल दूंगी। और बैटर डालने के बाद 5 से 10 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर इसको मैं पकने के लिए चढ़ा दूंगी। अभी मैंने गैस की फ्लेम हाई कर ली है, जब मैं बटर डाल दूंगी तो इसको धीमी गैस पर 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से पकाऊंगी। ये देखिए, चारों तरफ अच्छे से मैं इसको फैला दूंगी और लीड ढककर अब मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी है। अब मैं इसको लीड ढककर मैंने गैस लो कर दी है अब मैं इसको लीड ढककर कर पकने के लिए चढ़ा दूंगी। ये देखिए दोस्तों, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल रही हूँ,
फिर से मैं इसको ढककर पकने के लिए चढ़ा दूंगी। देखिए दोस्तों, जो मैंने बैटर बनाया था वो बैटर अच्छे से थोड़ा थोड़ा सूख गया। अब मैं इसे अभी इसके अंदर कुछ चीजों की गार्निशिंग करूंगी। सबसे पहले मैंने ये इसके अंदर पनीर डाल दिया है। और ये कॉर्न डाल दिया है जो मैंने लेके रखे थे। और ये गाजर के पीस जो मैंने लंबे लंबे कट करके रखे थे वो भी मैं इसके अंदर लगा दूंगी। इन सब चीजों को लगाने के बाद फिर मैं इसे थोड़ी देर फिर पकाऊंगी, ताकि मेरी इसके अंदर इसके ऊपर मैं अब चीज स्प्रेड करूंगी, ताकि वो चीज मेरी अच्छे से स्प्रेड होके रेडी हो, स्प्रेड हो जाए, इसमें अच्छा अंदर से मेल्ट हो जाए। और मैं ये टमाटर जो मैंने काट के रखे थे वो भी मैं इसके अंदर लगा दूंगी। दोस्तों ये मैं सिमई का पिज्जा बना रही हूँ। ये टमाटर के पीस भी अब मैं इसके अंदर ये थोड़ी सी अमूल चीज डालूंगी। आपके पास क्यूब सी चीज हो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज करके मैं थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरीके से चीज के क्यूब्स हाथों से ब्रेक करके डाल दूंगी। और ये गार्निशिंग करने के बाद इसको मैं फिर से 2-3 मिनट 4 के लिए ढककर चढ़ा दूंगी, लीड लगाकर ढककर पकाने के लिए चढ़ा दूंगी, ताकि मेरी चीज जो है वो अच्छे से मेरे पिज्जे में इस मेल्ट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ब्रेड का सिमई का पिज्जा बन के रेडी हो गया। देखिए कितना सुंदर बना है। मैं इसको टमाटो सॉस और चिली सॉस के साथ सर्व करने जा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से एक नए वीडियो के साथ। प्रणाम जी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए मेरा पिज्जा कितना अच्छा बना है, सिमई से बना पिज्जा मेरा कितना अच्छा बना है। ये बहुत सॉफ्ट है, मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है मेरा पिज्जा। मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है और खाने में उतना ही टेस्टी बना है।